press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका VKS Physics Academy में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बुक है वो चल रही है, कम से कम 8 लेक्चर हमने डाल दिए हैं उसके। लेकिन जो विद्यार्थी BSc थर्ड ईयर के अंदर अभी प्रेजेंट में है, उनके कुछ कमेंट आए थे, मुख्यतः 3 टॉपिक्स को लेकर। एक था आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जो है जो ट्रांजिस्टर वाली यूनिट में आता है। एक था जे फैट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक टॉपिक था अपना जो ट्रांजिस्टर के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। तो उसमें से मैं पहले करवा रहा हूं यहाँ पर आरसी कपल्ड वाला, उसके बाद में जे फैट करवाऊंगा और फिर मैं ट्रांजिस्टर वाली यूनिट जो शुरू करूंगा तो वहां पर मैं वो तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करवाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक इसको बोला जाता है। प्रवर्धक का मतलब होता है, प्रवर्धक जिसे एम्पलीफिकेशन कहते हैं उसका मतलब होता है बढ़ाना, जैसे वृद्धि करना। जैसे मान लो अपने पास कोई म्यूजिक सिस्टम है, उसका साउंड हम बढ़ाते हैं, उसके एम्पलीफिकेशन करते हैं। अपने पास मोबाइल का हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम उसकी साउंड को बढ़ाते हैं। यानी ये सभी जो इसके अंदर सिस्टम लगे होते हैं, जिस वजह से ये उस नॉर्मल साउंड को हाई साउंड पे ले जाता है, ये एम्पलीफिकेशन होता है। और ये किसी भी सर्किट के लिए जरूरी है, जहां पर ट्रांजिस्टर होगा वहां पर ये सब सिस्टम लगे होते हैं जो एम्पलीफिकेशन करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। यहां पर जो प्रवर्धक आपको दिखाई दे रहा आरसी वाला, ये वोल्टेज प्रवर्धन करने का काम करता है। कोई भी सर्किट जो है वो बहुचरणी सर्किट कहलाता है, अगर उसमें कई सारे चरण जोड़ दिए जाएं और प्रत्येक चरण के अंदर उसकी वोल्टता बढ़ती रहे और लास्ट में जितने चरण हम जोड़ सकते हैं उतने जोड़ें और हम उसकी वोल्टेज को बढ़ा लें। ये काम होता है प्रवर्धक का। तो यहां पर आरसी प्रवर्धक जो है वो एक बहुचरणी प्रवर्धक, यानी मल्टी स्टेज या कैस्केड स्टेज वाला जो प्रवर्धक एम्पलीफायर है वो होता है। इसके अंदर ये सर्किट डायग्राम है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें दो ट्रांजिस्टर है हमारे पास, T1 और T2। ट्रांजिस्टर कौन से हैं, धारा की दिशा दिखा रखी है, आपको पता लग जाएगा धारा की दिशा से किस प्रकार के हैं। NPN ट्रांजिस्टर हैं दोनों ही। यहां पर इनपुट वोल्टेज है V1, यहां पर एक कैपेसिटर जुड़ा है। देखो आरसी का मतलब है इसमें रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इसी चीज का नाम बने आरसी, यानी आर और सी आपस में कपल्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, युग्मित बोलते हैं इसको हिंदी में। R1 R2 जुड़े हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा है RL, ये है ट्रांजिस्टर, इसमें करंट जा रही है। इसके RE का मतलब देखें क्या है, RE का मतलब है यहाँ पर एमिटर कॉमन है। जैसे ट्रांजिस्टर के 3 विन्यास होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन कलेक्टर जिसे CC से डिनोट किया जाता है, कॉमन एमिटर जिसे CE से डिनोट किया जाता है, और कॉमन बेस जिसे CB से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कॉमन एमिटर वाला है, यानी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ये उदाहरण यहां पे हमने लिया। अब इसके अंदर ये NPN है, यहां पे RE जुड़ा है इसके एमिटर वाले पे, और इसको पार्श्व पथ यानी उपपथ प्रदान करते हुए बायपास कहें, यहां पर एक कॉमन एमिटर कलेक्टर जुड़ा है और इसको नीचे किया गया ग्राउंड। इसके इस सिरे पर जैसे ये होता है कलेक्टर, ये बेस है और ये है एमिटर वाला। यहां पर आगे दूसरा चरण शुरू होता है, उससे पहले एक कॉमन कलेक्टर जुड़ा होता है यहां पर, इसको हम कहते हैं CC यानी कि कलेक्टर। अब ये स्टेप तो इतना खत्म हो जाता है, यानी इसके आगे दूसरा स्टेप शुरू होगा, यही सर्किट दोबारा से इसमें रिपीट हो जाएगा। तो इतना जो स्टेप दिखाई दे रहा है आपको, डॉटेड लाइन जो है वो कहलाता है फर्स्ट स्टेज इसकी। ये CC जो है उसे अवरोधी संधारित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखें ये फर्स्ट स्टेप आने के बाद यहां पर प्लस के VCC है, जो डायरेक्ट इनपुट करंट वोल्टेज हम प्रवाहित करेंगे सर्किट में वो है। इसके बाद ये स्टेप दोबारा से रिपीट हो रहा है, यही सारा स्टेप दोबारा से रिपीट होगा। हम कितने भी स्टेप इसमें जोड़ सकते हैं, 2, 3, 4। तो ये कहलाएगा सेकेंड स्टेज यानी द्वितीय चरण, यह है प्रथम चरण।
यहाँ पर हमने दो स्टेप लिए हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो वो आएंगे अपने टर्मिनल वो क्या हो जाएंगे, आउटपुट की तरह काम करेंगे, यानी वी ओ और यहां पर इनपुट है वी वन। अब देखें अवरोधी संधारित्र क्या करता है। हम जानते हैं कि संधारित्र वो प्रतिघात पैदा करता है, रिएक्टेंस पैदा करता है, एक्स सी बराबर होता है 1/ωc। और कोई भी सर्किट है उसमें जब हम करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वो करंट है वो एसी और डीसी दोनों का मिश्रण होती है। ये हमने शुरू की यूनिट में आपने पढ़ा है, जिसने जो हमने अपना लास्ट सेशन आ गया अपना, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने पढ़ दिया है, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा है कि एसी और डीसी का मिश्रण होता है। उर्मिका गुणांक वगैरह आपने पढ़े, किस प्रकार से हम फिल्टर परिपथ से उनको अलग करते हैं, एसी को अलग करते हैं, डीसी को अलग करते हैं। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक एल और सी का होता है, एल सी परिपथ जिसे कहते हैं, टैंक परिपथ जिसे कहते हैं, उसका काम होता है डीसी से एसी को अलग करना, इस प्रकार से आपने पढ़ा है। एल सी परिपथ टैंक परिपथ होता है, ये फिल्टर परिपथ भी इसको कहते हैं, ये क्या करता है एसी से डीसी को अलग करता है, यानी इंडक्टर है वो एसी और डीसी के लिए अलग काम करता है, कैपेसिटर है वो एसी और डीसी के लिए अलग काम करता है। जैसे प्रतिघात होता है कैपेसिटर का एक्ससी बराबर 1/ωc, और ओमेगा का मतलब क्या होता है 2πf, ये तो कौन, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2πfc बराबर एक्ससी। अब देखें अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, डीसी स्टेबल होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा यहाँ पे, तो आपके पास एक्ससी का मान कितना आएगा, एक्ससी का मान कितना आएगा 1/0, यानी अनंत। अनंत का मतलब है कैपेसिटर डीसी के लिए अनंत प्रतिघात पैदा करेगा, अनंत रिएक्टेंस पैदा करेगा, उसका मतलब वो डीसी को नहीं जाने देगा, डीसी को वो रोक देगा, इसलिए इस सीसी को क्या कहते हैं, अवरोधी संधारित्र कहते हैं। और वो यहां पर क्या होगा, यहां पर आर ई की वैल्यू है, तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा है ये क्या करेगा, इसको बाईपास यहाँ पे प्रदान करता है। इसका काम यह है कि जब इस पर इसको यहाँ पे लगाते हैं, जो नेगेटिव फीडबैक होता है, आपने फीडबैक वाले यूनिट में पढ़ा होगा, पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक जो है वो अच्छा माना जाता है सर्किट के लिए, उसके भी कई सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो जब हम वो यूनिट पढ़ेंगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे उसके अंदर। तो ये सीसी का वैल्यू जो है, नेगेटिव फीडबैक जो है वो यहाँ पर नगण्य हो जाता है, इस वजह से इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की सहायता से इसमें बताएंगे, तो ये बातें हमारे पास आ जाएंगी। अब ये R1, R2, RL और RE जो है ये क्या करते हैं, सर्किट में जो अपने बायस होते हैं, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस कहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ये काम करते हैं। तो ये अपना पहला स्टेप लेंगे, हम फर्स्ट स्टेज लेंगे, इसके अंदर हम इसकी जो प्रक्रिया है उसको बताएंगे, तीन फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से, उच्च आवृत्ति प्रास, मध्य आवृत्ति प्रास और निम्न आवृत्ति प्रास, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके अंदर अपने को याद रखना है। यानी कि हमें क्या करना है, इस सर्किट को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आवृत्ति अनुक्रिया के द्वारा इसका विश्लेषण करना है अपने को, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज आरसी, यानी सिर्फ अपने को एक स्टेज का ही करना है, बाकी आगे वही रिपीट होता है। तो डिवाइडेड इनटू 3 फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी 3 फ्रीक्वेंसी रेंज प्रास के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले मैंने आपको बताया लो, मिड और हाई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में पढ़ेंगे, वो इस सर्किट में किस प्रकार से लागू करते हैं। यहां पर हमारे काम आएंगे प्राचल हाइब्रिड पैरामीटर, मैंने इसकी वीडियो अभी डाली थी कुछ दिन पहले ही, कम से कम 2 या 3 दिन पहले डाली थी, मैंने कहा ट्रांजिस्टर वाले में बहुत यूज होते हैं, जहां पर ट्रांजिस्टर का यूज होता है उस सर्किट को बताने के लिए, उसके विश्लेषण के लिए हमें हाइब्रिड पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम ये जो R1 R2 ये सारा सर्किट जो है उसको हाइब्रिड पैरामीटर के पदों में हम व्यक्त करके इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे, और उसकी सहायता से इसकी जो आवृत्ति अनुक्रिया है, वोल्ट का प्रवर्धन इसमें कितना आएगा वो हम ज्ञात करेंगे। पहला है मिड फ्रिक्वेंसी रेंज, ये रेंज है वो 300 से 30,000 आवर्ती प्रास इसके होती है, रेंज इसकी होती है। इस रेंज के अंदर क्या होता है कि जो अपना सीई होता है उपपथ संधारित्र जो हमने लगाया था बाईपास वाला, और सीसी जिसे हमने कहा था अवरोधी संधारित्र, या इसे कपलिंग युग्मन संधारित्र भी कहते हैं, ये नेगलेट हो जाता है, इसकी वैल्यू नेगलेट ली जाती है इस आवर्ती प्रास में, इस फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर।
इन फर्स्ट स्टेज यानी पहली स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, वी टेक इन फॉर्म ऑफ एच पैरामीटर देन एच आर ई एच ओ इज नेगलेक्ट, यानी पहला स्टेज जो हम लेंगे उसको हम एच पैरामीटर के अंदर एक तुल्य परिपथ बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे। हमने पहले मैंने बताया था आपको कि एच पैरामीटर चार प्रकार के होते हैं, एच आई एच आर एच ओ एच एफ। आई का मतलब इनपुट का है, आर का मतलब रिवर्स का है, ओ का मतलब आउटपुट का है, एफ का मतलब क्या है फॉरवर्ड का है। जल्दी जल्दी साथ साथ देख लेते हैं, एच आई बराबर क्या था वी वन बटे आई वन था, एच आर बराबर क्या था वी वन बटे वी टू, एच ओ बराबर आई टू बटे वी टू, एच एफ बराबर आई टू बटे आई वन। तो यहां पर दो धाराओं का अनुपात है, तो ये धारा लाभ था जब वी टू का मान जीरो हो। ये यहां देख सकते हैं आप, ये वोल्टताओं का अनुपात है, तो ये वोल्टता लाभ है, और इसका मान क्या होता है आई वन बराबर जब जीरो होता है तब होता है। ये वाला देखें एच आई, ये वी वन बटे आई वन है, यानी कि ये प्रतिबाधा होती है, और एच ओ जो है आई टू बटे वी टू ये होती है प्रवेश्यता, क्योंकि ये अपोजिट क्रम में है। तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास एच आर ई और एच ओ ई, यहां पर तो एच आर एच ओ है, यहां पर ई और लगा, ये भी बताऊंगा क्यों है। ये एच आर ई और एच ओ ई जो नेगलेक्ट लिए जाते हैं, यानी जो आउटपुट वाला है और रिवर्स वाला है, वो इस आवर्ती प्रास में नगण्य हो जाते हैं, दो ही पर प्राचल बचते हैं, इनपुट वाला और फॉरवर्ड वाला। तो एच एच आर या एच हमारे पास मान लो ओ है, सपोज करें ये जो हमने ट्रांजिस्टर लिया था ये कॉमन एमिटर था, और कॉमन एमिटर को दिखाने के लिए यहाँ पे ई निशान लगाया जाता है। तो ये प्राचल है वो कॉमन एमिटर वाले के अंदर होते हैं। अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर लिया जाए तो उसकी जगह क्या आएंगे एच आर बी एच ओ बी, इस प्रकार से दिखाए जाएंगे। अगर कॉमन कलेक्टर लिया जाए, कॉमन कलेक्टर की व्यवहार अलग होता है सर्किट का, लेकिन फिर भी बता देता हूं एच आर सी या एच ओ सी लिया जाता है। आपको एच ओ ई या एच ओ बी देखने को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एच आर सी या जो कॉमन कलेक्टर वाला सर्किट है उसका व्यवहार कुछ अलग ही हो जाता है, उसकी अलग कंडीशन है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो एच आई है वो तो प्रतिबाधा है यानी ओम के अंदर आएगा, और एच एफ वो क्या है धाराओं का अनुपात है, यानी ये प्रतिबाधा नहीं है, ये एक धारा लाभ है। तो लोड रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, यानी हम परिणामी लोड जो ये ज्ञात करेंगे इस एम्पलीफायर का, इस स्टेज के अंदर पहली स्टेज के जो हमने तुल्य परिपथ बनाया वो क्या होगा लोड यानी कि प्रतिबाधा। इस सर्किट में देखें आपको प्रतिबाधाओं लेना होगा, टोटल प्रतिबाधा ज्ञात करनी लोड की। एच आई क्या है प्रतिबाधा है, एच आई वी वन बटे आई वन प्रतिबाधा है, आर एल क्या लोड प्रतिरोध है ये भी प्रतिबाधा है, यानी कि स्पोर्ट्स के होम के अंदर बता रहा हूं मैं। एच एफ ई क्या होता है, एच एफ ई धारा लाभ होता है, अर इन टू में करंट है यानी ये धारा ही है यहाँ पे, एच एफ ई ये भी धारा लाभ है, तो ये प्रतिरोध नहीं है यानी ये ओम में नहीं है। तो सर्किट में सिर्फ दो ही बचे एच आई ई और आर एल, और दोनों पैरेलल में है, तो टोटल क्या हो जाएगा वन अपॉन जेड एल बराबर वन अपॉन आर एल प्लस वन अपॉन एच आई ई, ये दोनों पैरेलल में है। ये जो है वो द्वितीय चरण का निवेशी प्रतिरोध होता है जो प्रथम चरण के लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में होता है, पैरेलल में होता है। और यहां से आप जानते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा एच आई आर एल बटे आर एल प्लस के एच आई, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब हमें क्या करना है वी वन और वी टू की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि अपना वोल्टता लाभ है, वोल्टेज गेन जो है वो वी टू अपॉन वी वन होता है। तो आउटपुट वोल्टेज वी टू बराबर आउटपुट वोल्टेज, यहां माइनस बताऊंगा क्यों लगाया, एच एफ ई आई बी इंटू जेड एल, यानी वी बराबर जो होता है आर आई, यानी कि आर हमारे पास क्या है जेड एल है, जो अभी हमने ज्ञात किया जेड एल वो आर है, और आई क्या है ये जो करंट यहाँ पे सर्किट में है एच एफ ई आई बी जो कि इस तरफ है यानी कि आपकी आउटपुट की तरफ है। माइनस का मतलब है फेज डिफरेंस, जब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कला आ जाती है तो माइनस का निशान लगाया जाता है, नहीं तो जीरो डिग्री कला के लिए प्लस का निशान यूज होता है। तो इनपुट के सापेक्ष आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है, इसलिए यहां पर माइनस का निशान यूज होता है। इनपुट वोल्टेज की बात करें तो वी बराबर आई आर आई, यानी वी वन बराबर आर आई कितना इनपुट, यही सर्किट है, आर ये रहा यानी ये प्रतिबाधा की तरह ये एच आई इंटू आई बी करंट होगी, इक्वेशन नंबर होगी तीन। तो V2 का मान आ गया, V1 का मान आ गया, जेड एल का मान आ गया। अब हम निकालेंगे वोल्टेज गेन यानी वोल्टता लाभ, यही तो इस सर्किट से हमें प्राप्त होगा वोल्टता लाभ। तो वोल्टता लाभ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, ए बी एम से डिनोट कर रहा हूं मैं, ए बी एम, ए बी का मतलब है वोल्टता लाभ, एम का मतलब है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ए बी एल आएगा, अगर हम
हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ए बी एच से हम डिनोट करेंगे। अब वी टू का मान कितना है माइनस एच एफ ई आई बी जेड एल बटे वी वन का मान कितना है एच आई आई बी, तो आई बी से आई बी क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए वी एम बराबर माइनस एच एफ ई अपॉन एच आई जेड एल, और ये जो है एच एफ ई अपॉन एच आई इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनोन्य चालकता ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, इसे जी एम से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास बराबर क्या आया माइनस के इसको लिखा जी एम है जी एम इंटू जेड एल, अब हम जेड एल की वैल्यू क्या निकालेंगे, अपने निकाली थी क्वेश्चन नंबर दो या तीन में वो वैल्यू ये रही, तो जी एम है उसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस अनोन्य चालकता इसको कहते हैं। ए वी एम बराबर आएगा माइनस जी एम इंटू जेड एल की वैल्यू है एच आई ई आर एल बटे एच आई प्लस के आर एल, तो यहां से जीएम की वैल्यू भी रख सकते हैं ताकि उसको मल कर सके, तो माइनस का निशान जीएम की वैल्यू क्या थी एच एफ ई बटे एच आई ई इंटू एच आई आर एल बटे एच आई प्लस के आर एल, एच आई ई से एच आई क्रॉस हो जाएगा, ए वी एम बराबर आएगा माइनस एच एफ ई आर एल बटे एच आई प्लस के आर एल। अब देखें ये भी एक वोल्टता लाभ का फॉर्मूला आ गया, लेकिन अगर मैं इसको अनोन्य चालकता में दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरे को वापस से अनुपात ये बनाना पड़ेगा एच एफ ई बटे एच आई, तो मैं यहां से एच आई को कॉमन लेता हूं, तो एच आई को जैसे कॉमन लिया यहां बना वन प्लस की आर एल बटे एच आई, तो ये एच एफ ई बटे एच आई क्या हुआ जीएम आर एल बटे वन प्लस आर एल बटे एच आई, और बाहर है माइनस का निशान। तो ये निम्न आवर्ती परास के अंदर है लो फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर किसका मान आ गया वोल्टता लाभ का मान आ गया, इस कंडीशन में जो वोल्टता लाभ है वो लोड प्रतिरोध जो है आर एल उस पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है जिसे प्राचल कहें या प्रतिबाधा प्राचल, और अनोन्य चालकता ट्रांस कंडक्टर्स जीएम पर डिपेंड करता है, ये जो है टोटल मिलके इसका वैल्यू देंगे, और माइनस का निशान आपको पता ही है निर्गत वोल्टता के सापेक्ष निवेशी वोल्टता के अंदर कलांतर को व्यक्त करता है कितने डिग्री के साथ 180 डिग्री के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लो फ्रिक्वेंसी रेंज और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में अध्ययन करेंगे।